बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री सतगुरु महाराज श्री महामती कहे ए साथ जी ए नौतनपुरी की हकीकत और भी आगे की कहूँ भई जो बी तक इत भई जो बी तक इत दर्शन अब कहो श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजुर्ग प्रणाम जी सुंदर राज्य प्राणाधार आत्मसंबंधी सुंदर राज्य कल की चर्चा में हमने श्रवण किया कि किस तरह से ध्यान की अवस्था में अथवा चितवनी करते हुए श्री देवचंद्र जी को दूसरी बार ब्रज वाले श्री कृष्ण जी के स्वरूप में दर्शन होता है उसके पश्चात अपनी अध्यात्म की मंजिल को अथवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या उस प्राप्ति की तरफ और आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु हरिदास जी के मार्गदर्शन पर निर्देशन पर नौतनपुरी चले आते हैं और नौतनपुरी में चौदह वर्ष तक निरंतर निष्ठाबद्ध रूप से भागवत सुनते हैं इस बीच में दो ऐसे भी प्रसंग आए जिसमें वहाँ के सेठ साहूकारों को बोलने का मौका तो मिला पर प्रसंग और परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि देवचंद्र जी के प्रश्न का अथवा देवचंद्र जी के तर्क का किसी के पास कोई जवाब नहीं था एकादशी के उपवास के विषय में भी हमने सुना कि क्यों रखा जाता है करना चाहिए नहीं करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो उसके पीछे कारण क्या है अब महामती श्री लाल जी कह रहे हैं कि अब कहो श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजरक मूल मतलब जैसे जड़ होती है जड़ को मूल कहा जाता है बुजुर्ग का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ महान देवचंद्र जी को दर्शन होने वाला है और वह बात हम सब सुंदर साथ के लिए एक तरह से मूल की तरह है मूल का अर्थ यहाँ पर जड़ शाब्दिक अर्थ भले ही हो पर भाव यहाँ पर है आधार से जैसे किसी घर का आधार होता है वृक्ष का जड़ होता है वह उसका आधार होता है इसी तरह देवचंद्र जी को जो दर्शन हुआ वह आगे हम सब सुंदर साथ के लिए आधार बनने वाला है इस तारतम्य ज्ञान का इसीलिए कह रहे हैं जो मेहर सयन पर करी सुभानुल हक अक्षराती धामधनी श्री राज जी ने हम सभी ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर जो कृपा की है दर्शन भले ही देवचंद्र जी को हो रहा है आनंद भले ही वहां प्रत्यक्ष रूप से श्यामा जी की आत्मा को प्राप्त हो रहा है पर परोक्ष रूप से वही मूल है हम तक वाणी पहुंचने का हम तक ज्ञान पहुंचने का और उसकी भूमिका बांधते हुए श्री लालदास जी कह रहे हैं कि चौदह बरस निष्ठाबंद सुनियो श्री भागवत जब चौदह वर्ष तक निष्ठाबद्ध रूप से ये बहुत आसान काम नहीं है चौदह दिन भी हमसे लगातार कहा जाए कि एक दिनचर्या का पालन करना है बहुत मुश्किल है अपने घर में भी यदि हमें कहा जाए कि चौदह दिन तक लगातार एक निश्चित समय पर एक निश्चित काम करना है तो बहुत मुश्किल वाला काम है किसी तरह से चौदह दिन तक हम मैनेज कर लें लेकिन हमें कहा जाए कि नहीं चौदह महीने तक करना है एक साल और दो महीने ये तो हमारे लिए तो समझ लीजिए कि असंभव जैसा ही है क्योंकि हम सभी कही न कहीं ना कहीं अनुशासन से थोड़ा सा दूर है बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा दूर है और साधना अनुशासन का ही विषय है पतंजलि मुनि योग दर्शन में क्या कहते हैं पहले ही सूत्र में उन्होंने कहा अथ योग अनुशासनम देवचंद्र जी का जीवन संयम नियम और अनुशासन से भरा हुआ है भले ही कर्मकांड के रूप में उन्होंने किसी चीज का अनुसरण किया पर उसका उन्होंने पूरी तरह से पालन किया है कहने को हम किसी निश्चित अथवा नियत समय पर नियत कार्य करने को बंधन अथवा कर्मकांड भले ही कहें पर इसका एक सकारात्मक पक्ष यह है कि उससे निरंतरता आती है हम किन्हीं बातों को कर्मकांड कहकर नज़रअंदाज भले ही कर लें पर उन बातों को कर्मकांड कहने के लिए हमारा ज्ञान और विज्ञान के स्तर पर खड़ा होना अनिवार्य है अन्यथा हम एक कहावत कही जाती है चौबेजी चले छब्बेजी बनने दुबेजी बन के लौटे हमने एक तरफ छोड़ दिया क्या छोड़ना है वो हमने जल्दी अपना लिया और क्या पकड़ना है उसको हम समझ नहीं पाए तो न हम सामान्य साधक बनेंगे श्रेष्ठ साधक तो बहुत दूर की बात है देवचंद्र जी की पूरी जीवन लीला संयम और नियंत्रण तथा अनुशासन से भरी हुई है तो यहां पर भी उसका एक प्रमाण प्रस्तुत है कि चौदह वर्ष तक उन्होंने निष्ठाबद्ध रूप से भागवत सुना और क्या चौदह वर्षों में कभी वो बीमार नहीं पड़े होंगे कभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई होगी जैसे उदाहरण के लिए कि उनके भी घर में दो बच्चे हैं ना बिहारी जी और यमुना बाई के रूप में आजकल कोई व्यक्ति समाज में सबसे अनुशासित वर्ग कोई माना जाता है तो वो फौज का माना जाता है ना फौजियों का सैनिकों का माना जाता है और है भी पर सैनिकों में भी यदि उनके घर में उनके परिवार में उनके बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो वो गवर्नमेंट से छुट्टी ले लेते हैं कि हमें एक दिन की दो दिन की एक हफ्ते की इस तरह से छुट्टी चाहिए पर देवचंद्र जी का तो इसमें भी प्रसंग कहीं चौदह वर्ष तक कभी किसी भी कारण से उन्होंने भागवत सुनना बंद किया ही नहीं है बहुत सारे अवसर ऐसे आए होंगे जहां संकट की अवस्था भी दिखी होगी हम जैसे होते तो उसे धर्म संकट का नाम दे देते और संकट को चुन लेते धर्म को छोड़ देते पर देवचंद्र जी ने धर्म को हमेशा ही अपनाया और जो व्यक्ति धर्म को अपनाता है संकट हमेशा उससे दूर चली जाती हम कहते हैं ना धर्मो रक्षती रक्षित अब इसी में उनकी परीक्षा होनी है कल हमने अंतिम में क्या सुना था जैसा फल उस फल की प्राप्ति के लिए वैसा ही परिश्रम और वैसी ही परीक्षा फल जैसा चाहिए किसी को दिन में सौ डेढ़ सौ रुपये से संतुष्टि मिलती है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई में परिश्रम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह मजदूरी करके कमा सकता है पर किसी को बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है तो उसके लिए एक बार को हार्ड तोड़ मेहनत करनी पड़ती है एक बार को जीतोड़ परिश्रम करना पड़ता है वही परीक्षा है स्कूल में पैंतीस अंक में पास हो जाते हैं हम पर अध्यात्म की राह कुछ ऐसी है कि यहाँ की परीक्षा में हमें सौ में से सौ नंबर चाहिए होता है निन्यानबे से भी काम नहीं चलता है यहाँ एक अंक भी कम आया तो फेल ही माना जाएगा सौ में से सौ अंक लाना आवश्यक है इसी को तो सर्वस्व कहते हैं ना सर्वस्व समर्पण का तात्पर्य यह है कि हमारे पास कुछ भी ना रहे और वही हमारा पूर्णांक है जब पूर्णांक और प्राप्तांक में कोई भेद नहीं रह जाता तो जिसको आप पाना चाहते हैं वह आप प्राप्त कर सकते हैं तो देवचंद्र जी अपने सर्वस्व को पाना चाहते हैं अब एक बार सर्वस्व को गंवाने की दौड़ यहाँ से शुरू हो रही है अब तक तो पढ़ाई की है अब तक भिन्न भिन्न विद्यालयों में जाकर के पढ़ाई की है अब डिग्री पाने का समय है तो अंतिम परीक्षा है उनकी क्या हुआ कहते हैं यहां ज्वर आने लगा एक लंघन भई अब देवचंद्र जी को बुखार आना शुरू होता है एक दिन हुआ दो दिन हुआ लेकिन सुनना उन्होंने बंद नहीं किया भागवत सुनने के लिए प्रतिदिन जाते हैं ठंड लगती है तो कान बांध के जाते हैं क्योंकि कान से सर्वाधिक ठंडी घुसने की संभावना होती है तो कान बाँध के जाते हैं इस तरह से दो दिन बीते ठीक नहीं हुआ तीन चार पाँच दिन हो गए ज्वर भी नहीं छूट रहा है और देवचंद्र जी से भागवत भी नहीं छूट रहा है वो सुनने जा रहे हैं ऐसा करते करते दस बारह दिन व्यतीत हो गया पर न बुखार कम होने का नाम ले रहा है और न देवचंद्र जी भागवत सुनने जाने से बचने का नाम ले रहे हैं वो भी नहीं छोड़ रहे हैं अब देवचंद्र जी के पिताजी उस बुजुर्ग अवस्था में क्योंकि स्वयं देवचंद्र जी ही चालीस वर्ष के हैं तो पिताजी तो कम से कम सत्तर से ऊपर ही होंगे क्योंकि विवाह के काफ़ी समय के बाद में देवचंद्र जी का जन्म हुआ था तो उस अवस्था में जाकर के वैद्य जी को ढूंढ के ले आते हैं वैद्य आते हैं नाड़ी परीक्षण करते हैं और परीक्षण करके बताते हैं कि इनको तो दिमागी बुखार हुआ है इसको आयुर्वेद की भाषा में चिकित्सकीय भाषा में सन्निपात कहा जाता है दिमाग में बुखार चढ़ जाता है इसमें कई बार तो व्यक्ति पागल भी हो जाता है कुछ भी बड़बड़ाना शुरू कर देता है स्वयं का स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रह जाता तो ऐसी अवस्था है वैद्य जी ने एक औषधि दी काढ़ा बना करके पिलाने के लिए और बोले कि इस काढ़े को पीने के बाद में बिल्कुल हवा में नहीं निकल सकते अन्यथा मृत्यु भी हो सकती है रोगी की तो माता जी ने कहा कि ये तो मानने वाले हैं नहीं ये भागवत सुनने के लिए चले जाएंगे तो वैद्य ने औषधि वापस ले ली वापस इसीलिए ली क्योंकि वैद्य का तो गुजारा ही उसी से होना है यदि उसको वह काम छुड़वा दिया जाए तो दूसरा उसके पास क्या है उसके पूरे जीवन भर की पूंजी वही है यदि पता चले किसी को खैर ऐसा होना तो नहीं था पर वैद्य तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि यदि मेरे द्वारा औषधि दिए जाने पर किसी रोगी की मृत्यु हो जाती है तो मुझसे औषधि कौन लेगा मुझे कौन बुलाएगा फिर यह सोच करके उन्होंने औषधि वापस ले ली तो मतु मेहता जी ने कहा कि वैद्य जी आप चिंता मत कीजिए आप ये काढ़ा हमें दे दीजिए औषधि दे दीजिए मैं इनको जाने नहीं दूंगा मैं इन्हें रोके रखूंगा ऐसा कह करके औषधि ली वैद्य तो उठ करके वहां से चले गए जी तब भी कह रहे हैं कि नहीं मैं तो नहीं रुकने वाला हूं आप कितनी भी कोशिश कर ले मैं तो चला जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए तो क्या है धर्म राखे ते देह है जवाब दे तों कर सामान्य हिसाब से देखा जाए तो बात ठीक है देखिए दोनों तरफ की बात की गई है धर्मो रक्षति रक्षित भी कहा गया है और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भी कहा है आप अर्थ देखेंगे तो दोनों के अर्थ में विरोधावास है एक का कथन है कि आप यदि धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है और दूसरा जो सूत्र है वह कहता है कि शरीर ही धर्म करने का साधन है इसका मतलब शरीर की रक्षा होनी चाहिए सामान्य दृष्टि से शरीर धर्म करने का साधन है हमारे शरीर को धर्म कार्य में लगाना चाहिए यह सत्य है परंतु जो एक विशिष्ट अवस्था तक पहुँच जाते हैं उनके लिए धर्म उनके स्वयं के शरीर की रक्षा से भी पहली प्राथमिकता बन जाता है उनके लिए धर्म की रक्षा करना पहली प्राथमिकता बन जाती है तो देवचंद्र जी ने उसी प्राथमिकता को चुना वैद्य तो वहां से चले गए माता जी ने काढ़ा लेकर के बना करके पिला दिया अब जैसे ही भागवत सुनने का समय हुआ देवचंद्र जी कान उन्होंने कानों में पट्टी बांध ली कपड़ा बांध लिया और लाठी लेकर के चलने लगे मधु मेहता और कुंवर बाई जी बार बार मना कर रहे हैं लेकिन देवचंद्र जी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो मधु मेहता जी ने उनको जबरदस्ती घर में बैठा करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और बाहर खड़े हो गए अब देवचंद्र जी तड़प रहे हैं सुनने जाने के लिए वह चाहते हैं कि मेरी निष्ठा भंग ना हो अंदर से अपने माता पिता को भी नहीं बख्श रहे कह रहे रे मूर्खों मैं मरने का नहीं मेरा देखोगे आकार में मरने वाला नहीं हूं मैं जिंदा वापस आऊंगा लेकिन यदि आपने जाने नहीं दिया तो मेरा शरीर भले ही यहाँ रह जाए पर मेरी आत्मा वहाँ ज़रूर चली जाएगी उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार मेरे मन में और कोई विचार नहीं मुझे तो जाना ही जाना है अब वो मान नहीं रहे हैं और क्योंकि कमज़ोरी भी है एक तो कमजोरी दूसरा जोश आया उनको एक क्रोध आया, एक रूप से कि हम मुझे सुनने के लिए जानने नहीं दे रहे हैं तो उस कमजोरी के कारण क्योंकि पंद्रह दिन का बुखार है हम हमें दो दिन भी बुखार आता है तो शरीर में कमजोरी का हमें पता चल जाता है तो पंद्रह दिन में अब जैसे ही देवचंद्र जी गिरे माता जी कहने लगी खम्मा खम्मा घनी खम्मा खम्मा का अर्थ है क्षमा राजस्थानी मूल के हैं ना तो उन्होंने कहा क्षमा क्षमा दरवाज़ा खोलो ये तो गिर गए हैं अब पिताजी ने दरवाज़ा खोला अंदर आकर के देखा पुत्र गिरा हुआ है उनको लगा कि हमने व्यर्थ में ही रोका शायद ऐसा कुछ होता नहीं देवचंद्र जी बेहोश हैं अब माता पिता को डर लगा वो तो किसी अनहोनी की आशंका से डर गए उन्होंने बुलाने की उठाने की कोशिश की लेकिन देवचंद्र जी आंख खोल नहीं रहे हैं मतु मेहता जी कान में कहते हैं कि तुम जाओ भागवत सुनने के लिए भट्ट जी के वहाँ से लोग बुलाने के लिए आए हैं तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है और अगर तुम कहते हो तो हम तुम्हें पहुँचाने के लिए भी चले आएंगे इस तरह एकाद घड़ी के बाद देवचंद्र जी की आंख खुली उठ कर के बैठ गए लेकिन उनका चेहरा पूरा सफ़ेद है क्योंकि पंद्रह दिन से बुखार है बुखार में अब एक तो खाया नहीं जाता है जो अंदर है वह भी बुखार का जो वायरस है बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे करके शरीर को ही खाता जाता है तो खून की कमी रक्त अल्पता जिसके कारण चेहरा सफेद हो चुका है अब मधु मेहता जी कहते हैं कि आप जाओ भागवत सुनो आपको कोई रोकने वाला नहीं है देवचंद्र जी ने लाठी पकड़ी खड़े हो गए जाने के लिए मधु मेहता जी ने कहा कि हम पहुंचे हम पहुंचाएं आपको छोड़ने के लिए आए देवचंद्र जी ने मना कर दिया अब वहां से उठे धीरे धीरे करके श्याम जी के मंदिर में पहुँचे वहाँ जा करके सभा में बैठे और बैठ करके शांति से चर्चा सुनने लग गए सावधान होकर के अब भागवत सुन के जैसे तैसे घर पहुँचे घर आए तो वैसे तो राज्य की मेहर है ही परोक्ष रूप से हमेशा पर प्रत्यक्ष रूप से क्योंकि वैद्य की औषधि भी ली है उस चीज़ का एक बहाना बना और धीरे धीरे बुखार उतरने लगा जब भागवत सुन के फेर के आए घर तब ही चैन जो पाया ठाड़ा न रहया ज्वर, अब ज्वर बुखार रहा नहीं उतर गया और उसके बाद फिर जो औषधि दी थी वो एक आध बार फिर से लिया वैद्य ने जिस चीज का मना किया था जो खाने के लिए कहा था पथ्य कहते हैं आप किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाते हैं विशेष रूप से एलोपैथ में इतना ज्यादा नहीं किया जाता फिर भी होता है कई बीमारियों में ये कहा ये खाना है ये नहीं खाना ऐसा बोला जाता है ना तो जो खाने के लिए कहा जाता है उसको कहा जाता है पथ्य और जो खाने के लिए मना किया जाता है उसको कहते हैं अपथ्य तो वहाँ से देवचंद्र जी ने पथ्य लिया जो वैद्य ने खाने के लिए कहा था कमज़ोरी इत्यादि दूर करने के लिए और कुछ दिनों के बाद में देवचंद्र जी पूरी तरह से ठीक हो गए इस तरह कथा सुनते सुनते बुखार ठीक होने के बाद कथा सुनते सुनते दस पंद्रह दिन व्यतीत हो गए दिन दस पंद्रह हुए कथा सुनत है कान तहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान दस पंद्रह दिन हो गए कथा सुनते सुनते और वहाँ आकर के अब एक स्वरूप ने दीदार दिया दर्शन दिया और पूछा कि क्या तुम तो मुझे पहचानते हो जिस हिसाब से जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो प्रसन्न भाव से क्या तुम मुझे पहचानते हो अब जिस स्वरूप ने दर्शन दिया वह कैसा है कह रहे किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन देख श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाही दई मन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री सदगुरु महाराज वय किशोर अति सुंदर वय का अर्थ है अवस्था किशोर अवस्था का अत्यंत सुंदर स्वरूप है हम सेवा पूजा करते समय स्वरूप बोलते हैं ना स्वरूप सुंदर सनकोल सकोमल तो अत्यंत सुंदर किशोर स्वरूप है और वह स्वरूप जिसने वृंदावन में रास बिहारी श्री कृष्ण जी के रूप में लीला की थी रूप है वहाँ रास बिहारी श्री कृष्ण जी का जिसने सूथनी अथवा चूड़ीदार पैजामा पहना है घुंघराले बाल की जगह पर चोटी गुथी हुई है ऐसे स्वरूप ऐसे रूप में जिसने लीला की थी उस स्वरूप ने अर्थात तो मूल स्वरूप जी ने दर्शन दिया मूल स्वरूप जी के आवेश ने दर्शन दिया अब देवचंद्र जी को जब पूछा गया कि क्या तुम मुझे पहचानते हो तो उन्हें लगा उनकी अंतरात्मा ने गवाही दी कि ये कौन है नाम क्या है पहचान क्या है पूरी तरह से पता तो नहीं है पर इतना मैं जानता हूं कहते हैं कि तुम हमारे खावंद एता जानत है हम मैं केवल इतना जानता हूँ कि आप मेरी आत्मा के खावन अथवा प्रियतम हैं प्राणपति हैं तो राजी ने कहा कि यदि तुम्हें इतनी ही पहचान है तो मैं बताता हूँ कि वास्तविक पहचान क्या है कहते हैं नाम तुम्हारा बाई सुंदर तुम्हारा नाम सुंदर बाई है तुम श्यामा जी हो धाम की खेले तुम ब्रज रास में तुमने ही व्रज और रास के अंदर लीला की थी तुम केवल तुम नहीं तुम्हारे जैसी और बारह हजार ब्रह्मात्माओं ने वहां पर लीला की थी और ब्रज रास लीला के पश्चात भी मनोरथ पूरे ना भय ए तीसरा हुआ तीन से वहां भी तुम्हारे मन की इच्छा खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये तीसरा ब्रह्मांड रचना पड़ा और यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ सभी ब्रह्म सृष्टियाँ भी आई हैं अब तुम्हें क्या करना है उन सभी ब्रह्म सृष्टियों को अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम तब देवचंद्र जी ने कहा कि धनी वो सुंदर साथ कहाँ है मैं उनको कैसे पहचानूँ कैसे बुलाऊ तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है कहिया मैं भेजो तमाम देवचंद्र जी ने पूछा धनी वे साथ कहाँ है राज जी ने कहा कहिया मैं भेजू तमाम उन सबको तो मैं ही भेजूंगा अलग अलग बहाने बना बना करके अलग अलग प्रसंग परिस्थिति निकाल निकाल करके मैं ही तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा भेजूंगा तुम्हें केवल परमधाम के विषय में और वहाँ की लीला के विषय में मेरी पहचान करा करके और अपनी पहचान करा करके परमधाम लेके आना है और क्या करना है ए भागवत कागद तुम्हारा सो तुम्हें खुले कलाम ये जो भागवत है जिसका तुम चौदह वर्ष से श्रवण कर रहे हो यह तो तुम्हारे लिए कागद है कागद अर्थात चिट्ठी है और इसके विषय में तुम ही बता सकते हो तुम ही जान सकते हो तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता अर्थात जो ब्रह्म सृष्टि है वही जान सकते हैं और पूरे चौदह लोक के लोग मिल जाएं तब भी भागवत के रहस्य को खोल नहीं सकते फिर कहते हैं अब तुम्हें पूछना हो सो पूछ ले तुम फेर के ऐसी तरह से दृष्ट ना आवे हम इसके बाद अब हम कभी भी आपके सामने नहीं आएंगे इस तरह से इसीलिए कुछ भी पूछना हो आप पूछ लीजिए देवचंद्र जी ने पूछा कि अच्छा यदि आप मेरे सामने नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे राज जी ने कहा तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे हम मैं आपके ही अंदर आकर विराजमान हो जाऊंगा आपके हृदय धाम में हृदय रूपी धाम में विराजमान हो जाऊंगा वैसे तो वह हृदय धाम में ही है ऐसा नहीं है कि परम धाम से आए दर्शन दिया और फिर देवचंद्र जी के हृदय में प्रवेश किया ऐसा नहीं है वही है वही से आकर दर्शन दे रहे हैं और वहीं प्रवेश कर रहे हैं हमारे भी हृदय में है पर हमें दर्शन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पर्दे को श्री देवचंद्र जी ने अपनी साधना अपने विरह के द्वारा अपनी तड़प के द्वारा समाप्त किया वह पर्दा अभी हमारे अंदर ज्यों का त्यों है अज्ञानता का पर्दा है अहंकार का पर्दा है भिन्न भिन्न प्रकार के उस पर्दे की अलग अलग परत है इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं जब राज जी ने कहा कि मैं आपके अंदर आकर विराजमान हो जाऊंगा तो देवचंद्र जी कहते हैं फिर मोको कहाँ पूछ पूछना तब मोको को पूछना एक कहे तारतम बीज वचन कि जब आप मेरे अंदर ही आकर विराजमान हो रहे हैं तो मुझे क्या पूछने की जरूरत है और इतनी जो बात हुई वह किशोर अति सुंदर से लेकर के तब मोको कहा पूछना तक यहां तक कि सभी बातों को तारतम के बीज वचन कहा गया क्योंकि जो दर्शन हुआ दर्शन के पश्चात राज्य हृदय में विराजमान हो चुके हैं इसी दर्शन के विषय में चिंतन करते 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 जब वो घर पहुंचे घर पहुंचने के बाद उनके उनकी अंतरात्मा से तारतम की पहली चौपाई अवतरित हुई थी निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत तो ये पहली चौपाई है अब यहाँ बीज वचन शब्द आया है तो समाज का एक वर्ग मानता है कि ये जो तारतम है निज नाम श्री कृष्ण जी वाला यह बीज मंत्र है और मंत्र को गुप्त रखना चाहिए जबकि ऐसा नहीं है बीज वचन कहने का कारण यह है कि जिस तरह से बीज से एक पौधा बनता है फिर वृक्ष बनता है और फलीभूत होता है देवचंद्र जी के हृदय धाम से जो एक चौपाई बीज रूप में अवतरित हुई वही जब इंद्रावती जी तक पहुंची उनके द्वारा समस्त पहले तो तारतम की छह चौपाइयों के रूप में और समस्त ब्रह्मवाणी के रूप में वृक्ष बन करके उभरी एक चौपाई बीज रूप से और उसके बाद इस तारतम वाणी का जो फल है वह फल क्या है जागनी वाणी का फल वाणी का सार जागनी है तो इसीलिए इसको बीज मंत्र नहीं कहेंगे मंत्र शब्द का प्रयोग तो सीधे जब हरिद्वार पहुँचे हैं श्री जी वहाँ लोगों ने पूछा कि आप मंत्र के स्थान पर किसका जप करते हैं मंत्र किसे मानते हैं तो श्री जी ने कहा कि हम तारतम को मंत्र मानते हैं क्योंकि मननात इति मंत्र मनन करने से हम इसे मंत्र कहते हैं हम दुनिया के किसी लौकिक मंत्र का मनन नहीं करते हम तो इस तारतम ज्ञान का मनन चिंतन करते इसलिए वह हमारे लिए मंत्र है पर बीज कहने का कारण कुछ अलग है मंत्र कहने का कारण कुछ अलग है दोनों को खिचड़ी बना करके यहाँ बीज मंत्र कहा जाता है अब राज्य हृदय धाम में विराजमान हो गए जैसे ही विराजमान हुए उनकी नजर अखंड में पहुंची क्या कह रहे हैं तब ही नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम ब्रज रास दो अखंड सूरत पहुंची देवचंद्र जी की दृष्टि अखंड ब्रज अखंड रास और साथ में समस्त परम धाम के पच्चीस पक्षियों में विचरण करने लगी भागवत के सारे रहस्य सभी भेद समझ में आने लगे विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म फजर उनकी आत्मा का सवेरा हो गया अर्थात उनकी आत्मा जागृत हो गई अब इस प्रसंग में कुछ कुछ प्रश्न है कुछ कुछ संशय शंका जिज्ञासाएं हैं पहला प्रश्न कि क्या दर्शन देने वाले श्री कृष्ण जी हैं तो इसका सीधा सा उत्तर है कि कृष्ण जी ने दर्शन नहीं दिया है क्या कहा जा रहा है वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन यदि वृंदावन वाले कृष्ण जी के रूप में दर्शन हुआ होता तो पहली बात स्वरूप नहीं लिखा होता और दूसरा पक्ष इसका दूसरा तर्क यह है कि देवचंद्र जी के मन में जब 11 वर्ष की अवस्था में प्रश्न उत्पन्न हुए थे उसके बाद शुरुआत के पांच वर्षों तक वह कृष्ण के मूर्ति की ही परिक्रमा लगाते रहे हैं ठीक है उसके बाद जब वह हरिदास जी के पास पहुंचे, हरिदास जी के पास भी वह कृष्ण जी की सेवा करते आए हैं बांके बिहारी जी और बालमुकुंद तो जी की तो कृष्ण जी की शोभा के विषय में तो उन्होंने कितनी ही बार सुना है मोर मुकुट वाला वर्णन करते हैं मैंने बहुत सारे विद्वानों से सुना है कई लोगों ने लिखा भी इस तरह से कि कृष्ण जी ने दर्शन दिया था हाथ में बांसुरी मोर मुकुट इत्यादि थे अब देवचंद्र जी ने हरिदास जी से न केवल सुना है अपितु ध्यान में भी उन्होंने कृष्ण जी का दर्शन किया है भले ही बाल रूप का किया तो क्या हुआ कृष्ण जी की शोभा तो कुछ एक जैसी होनी चाहिए तो उसके बाद चौदह वर्ष तक भागवत में भी कृष्ण जी की ही शोभा श्रृंगार और लीला को सुना है तो यदि वो कृष्ण जी को देखते तो तुरंत हाथ में बांसुरी और मोर मुकुट को देख करके तो पहचान लेते कि आपको मैं कैसे नहीं पहचानूंगा आप ही के विषय में तो मैं चौदह वर्ष से लगातार सुनते आ रहा हूँ ऐसा होना चाहिए था जबकि वो कह रहे हैं कि नहीं आप कौन हैं इतना मुझे नहीं पता बस मैं इतना जानता हूँ कि आप मेरी आत्मा के प्रियतम हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि आप श्री कृष्ण जी हैं ठीक है ठीके? ये दूसरा तर्क है तीसरी बात कृष्ण जी का जो श्रृंगार है दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भले ही वो हिंदू नहीं भी होगा फिर भी उस व्यक्ति को क्योंकि कृष्ण जी के विषय में तो सभी जानते हैं तो कृष्ण जी की तस्वीर अथवा फोटो उनके सामने रखी जाए जैसा कि आजकल बनाया जाता है तो उसको देख करके कोई भी बता देगा कि ये कृष्ण जी का स्वरूप है लेकिन राज्य का जो राज्य की शोभा श्रृंगार का जो वर्णन है उसका आधार लेकर के कोई भी फोटो बना ली जाए तो नया व्यक्ति जिसके पास तारतम ज्ञान होगा उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति वो पहचान नहीं पाएगा कि ये किसकी तस्वीर है कोई कहेगा कि ये कोई देवता होंगे सुंदर से दिख रहे होगा होंगे कोई देवता किसी का भी वो नाम ले सकता है पर हमें पता है शोभा श्रृंगार के विषय में तो वृत्तांत मुक्तावली में देवचंद्र जी को दर्शन देने वाले स्वरूप की शोभा का श्रृंगार का वर्णन किया है जो कि परम धाम में विराजमान होने वाले स्वरूप के ही श्रृंगार का है जैसा हम वाणी में परमधाम का परमधाम के श्रृंगार का वर्णन करते हैं उसी श्रृंगार ने देवचंद्र जी को दर्शन दिया है ऐसा वर्णन वृत्तांत मुक्तावली में किया गया है तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि वहाँ दर्शन देने वाले कृष्ण जी नहीं हैं हाँ वह शक्ति है जिसने कृष्ण जी के तन में ब्रज में भी लीला की थी और रास में भी लीला की थी इसीलिए कहा गया स्वरूप खेला जो वृंदावन तो एक पहला प्रश्न जिसका समाधान एक और प्रश्न उत्पन्न होता है प्रश्न क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है कि हमारे समाज में तथाकथित विद्वान बहुत सारे हैं पर वाणी को बढ़ावा देने वाले वाणी का प्रचार करने वाले बहुत कम हैं सभी भागवत की कथा किया करते हैं और भागवत को जागृत बुद्धि का ज्ञान कहते हैं इसके पीछे कारण क्या बताते हैं भागवत करने के पीछे वो कारण बताते हैं कि भागवत इसीलिए करना चाहिए भागवत इसीलिए सुनना चाहिए क्योंकि चौदह वर्ष तक देवचंद्र जी ने भागवत सुनी इसीलिए उनको परमात्मा का दर्शन हुआ और हरिद्वार के मेले में श्री जी ने कहा शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान इसीलिए हमें भागवत की चर्चा करनी चाहिए पर अब दो अलग अलग प्रश्न हो जा प्रसंग हो रहे हैं यहां से पहला तो कि क्या भागवत सुनने की वजह से देवचंद्र जी को दर्शन हुआ है और दूसरा क्या भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान है मैं दोनों प्रश्नों का समाधान रख रहा हूं आपके सामने वाणी और वित्तक के दृष्टिकोण से पहला प्रश्न कि क्या भागवत सुनने से जागृत हुई है जागृति हुई है तो इसका समाधान ये है मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रखता हूं एक एक बिंदु पहला जिन सुखदेव जी और व्यास जी को भागवत का वक्ता अथवा लेखक माना जाता है क्या उनको परमात्मा के दर्शन हुए नहीं यदि भागवत सुनने से दर्शन होना होता तो क्या सबसे पहला जो श्रोता माना जाता है भागवत का परीक्षित जी क्या उन्हें परमात्मा का दर्शन हुआ तीसरा देवचंद्र जी जिस गुरु से सुन रहे थे वो तो केवल चौदह नहीं कब से भागवत सुना रहे थे क्या उनको दर्शन हुआ देवचंद्र जी के साथ में उस शहर के जितने भी राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायी थे वो सभी सुना करते थे क्या उनमें से किसी को दर्शन हुआ अगला चलो ये तर्क दिया जा सकता है कि भागवत सुना और लोगों ने भी पर परमधाम का अंकुर नहीं था इसलिए देवचंद्र जी को दर्शन हुआ बाकियों को नहीं हुआ पर प्रश्न साथ में एक और है काउंटर क्वेश्चन कि गांगजी भाई के अंदर तो परमधाम की आत्मा थी वो कांजी भट्ट से ही भागवत सुनते थे फिर गांगजी भाई को दर्शन क्यों नहीं हुआ भागवत सुनने से फिर यदि भागवत सुनने से ही दर्शन होना होता तो हरिदास जी जो भागवत सुनाते भी थे वो भागवत सुनाते थे भले ही कानजी भट्ट जैसे नहीं पर वो भी देवचंद्र जी को तो उन्होंने कई बार सुनाया ही था और दूसरी बात भागवत आधारित राधा कृष्ण जी की ही सेवा किया करते थे इतिहास में मुझे लगता है कि ये पहला अवसर है कि, कि किसी गुरु ने अपने शिष्य से दीक्षा ली हो हरिदास जी को श्री देवचंद्र जी के यहाँ आकर के तारतम ज्ञान लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी हरिदास जी ने तारतम लिया बाद में वो तो भागवत आधारित ही सेवा पूजा कर रहे थे इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वाणी की श्रेष्ठता तो है निजानंद दर्शन की श्रेष्ठता तो है इसी तरह तारतम ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद देवचंद्र जी के पास 313 आत्माएं आई उनमें से किसकी जागनी देवचंद्र जी ने भागवत सुनाकर की किसी को भागवत सुनाई उन्होंने नहीं ब्रजराज की लीला का वर्णन किया और परमधाम का वर्णन किया चितवनी कराया वैसे जागृति कराई श्रीजी के द्वारा जब जागनी की लीला हो रही थी तो श्रीजी सूरत पहुंचते हैं सूरत में भागवत के एक प्रकांड विद्वान है गोविंद जी व्यास श्याम भट्ट भी है श्रीजी ने उन्हें तारतम ज्ञान दिया वो दोनों भागवत के विद्वान थे यदि भागवत से जागनी होनी होती तो श्री जी बोल देते कि आप तो सही लाइन पर हो बस यही करते रहो भागवत सुनते रहो उनको भागवत क्यों छुड़ाया तारतम ज्ञान क्यों दिया उन्होंने इस तरह के अनेक प्रसंगों से हमें पता चलता है कि भागवत सुनने से जागृति नहीं होती है भागवत चिट्ठी अवश्य है ये भागवत कागज तुम्हारा कहा है पर भागवत सुनने से जागृति नहीं होती है देवचंद्र जी की जागृति के पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पहली बात उनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है और उन्होंने इतने वर्षों से कस कसनी की है यदि वैसे तो जो हो गया उसमें हमें इफ और बट नहीं लगाना चाहिए लेकिन किंतु परंतु ये सब नहीं लगाना चाहिए पर यदि देवचंद्र जी भागवत के जगह पर रामायण भी सुनते तब भी उनको दर्शन होना था चौदह वर्ष तक जिस निष्ठा के साथ में उस एक परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने सुना यदि रामायण भी सुनते तब भी उनको राजी को दर्शन देना ही पड़ता पर हाँ संयोग ऐसा कि उन्होंने भागवत सुनी मैं भागवत का विरोध नहीं कर रहा हूं पूर्ण रूप से पर यदि कोई ये कहे कि वाणी से भी भागवत श्रेष्ठ और भाग भागवत से उनकी जागनी हुई है इसलिए मैं भागवत की चर्चा करनी चाहिए तो मैं उसके विरुद्ध में हूँ तारतम ज्ञान आने से पहले कौन क्या पढ़ता था क्या सुनता था उससे कोई लेना देना नहीं है वो उनका दुर्भाग्य था कि उनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं था हमारा सौभाग्य कि हमारे पास वाणी है भागवत में भागवत की चर्चा क्यों करते हैं ब्रज और रास के वर्णन को जानने के लिए पढ़ने के लिए भागवत में रास का कितना वर्णन है भागवत के दसम स्कंद के उनतीसवें अध्याय से लेकर चौतीसवें अध्याय तक रास का थोड़ा सा वर्णन है वो भी प्रतिबिंब का कुछ लोग इसमें कह देते हैं कि वो पांच अध्याय तो जोश में कहा गया है बिल्कुल गलत है ये। चौपाई कहती है भागे जोश कहे पंच अध्याय पांच अध्याय कहने के बाद जोश नहीं भागा है जोश के भागने के बाद पांच अध्याय का वर्णन हुआ है इसलिए तो कहा रास वर्णन हुआ न तीनताई लेकिन जिनको भागवत का ही व्यापार करना है वो ये कहते हैं कि जोश ने पांच अध्याय का वर्णन किया है और जैसे भागवत जोश में कही है उसी तरह वाणी भी जोश में कही है तो दोनों में क्या फर्क है भागवत भी तो जागृत बुद्धि का ज्ञान है ऐसा कहते हैं जबकि भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान है तो फिर वाणी झूठी है यदि भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान है तो वाणी झूठी है क्यों क्योंकि वाणी एक तरफ कहती है एते दिन त्रैलोक में हुति बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन नौतनपुरी में तारतम वाणी की पहली चौपाई अवतरित होने से पहले संसार में कौन सी बुद्धि थी स्वप्निक बुद्धि तो भागवत उससे पहले की तो है यदि भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान है तो नौतनपुरी की महिमा बताइए क्या महिमा है जागृत बुद्धि सबसे पहले नौतनपुरी में आई इसलिए तो उसकी महिमा है यदि पहले से ही भागवत जागृत बुद्धि है तो फिर नौतनपुरी की कोई महिमा ही नहीं है एक तरफ आप कहते हैं कि नौतनपुरी की महिमा बहुत बड़ी है जागृत बुद्धि का ज्ञान वहां अवतरित हुआ फिर भागवत को आप जागृत बुद्धि का ज्ञान कैसे कह रहे हैं तो अब आपका सवाल ये हो सकता है कि बीतक में शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान क्यों कहा है तो इसका समाधान यह है कि जिस प्रकरण में ऐसा कहा गया है हरिद्वार के शास्त्रार्थ में निजानंद संप्रदाय की पद्धति का प्रसंग है उस प्रकरण में दो अलग अलग चौपाई है आप प्रकरण खोलकर देख लीजिए बहत्तर और तिहत्तर नंबर की ये चौपाई है बहत्तर नंबर चौपाई का अंतिम चरण है उसमें स... वहाँ के जो साधु थे श्रीजी से जिनका शास्त्रार्थ हो रहा था उन उन्होंने पूछा कि आपका शास्त्र कौन सा है और तिहत्तर नंबर चौपाई के पहले चरण में पूछा कि आपका ज्ञान कौन सा है दो अलग अलग चौपाइयों में दो अलग अलग प्रश्न हैं तो पहला प्रश्न का उत्तर श्री जी ने दिया कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत और दूसरा प्रश्न था आपका ज्ञान कौन सा है तो श्रीजी ने कहा बुद्ध जागृत को ज्ञान शास्त्र के रूप में हम भागवत को मानते हैं क्योंकि शासयते ये न शास्त्र जिसके द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में किसी भी तरह का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए भागवत में जो ब्रज और रासलीला का वर्णन है उसमें जो गोपियों के अंदर प्रेम है अनन्य प्रेम का जो भाव है कृष्ण जी के प्रति उससे हम इस जागनी के ब्रह्मांड में भी मार्गदर्शन लेते हैं यहाँ पर भी हम चाहते हैं हमारी इच्छा है कि ब्रज में जैसा प्रेम कृष्ण जी के लिए गोपियों में था वैसा ही प्रेम हमारे अंदर परमात्मा के लिए राज्य के लिए आए इसीलिए हम उसको शास्त्र के रूप में मानते हैं और हमारा ज्ञान जागृत बुद्धि का ज्ञान है तो दो अलग अलग प्रश्न है दोनों की खिचड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है तो पहला प्रश्न दर्शन देने वाला कौन दूसरा प्रश्न कि क्या भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान है और साथ ही साथ क्या भागवत सुनने से दर्शन हुआ है इन तीन प्रश्नों का समाधान हो गया है अब मैंने परिस्थिति की बात की थी आज परिस्थिति ऐसी है कि तारतम वाणी के अवतरित होने के लगभग 400 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी लोग भागवत की कथा किया करते हैं मैं कहता हूँ कि जितने भागवतकार हैं वे सभी मिल कर के वाणी का प्रचार प्रसार करने लग जाए और उसके लिए जहां आवश्यक हो वहां भागवत प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो हर जगह पर तारतम वाणी फैलाई जा सकती है आज सैकड़ों की संख्या में भागवत करने वाले लोग हैं पर कोई वाणी को बढ़ावा नहीं देना चाहता इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे समाज में कर्मण्यता कर्मठता नहीं है उनको है कि कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक लाभ मिले वो भी लौकिक वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें सभी धर्मग्रंथों को पढ़ना पड़ता है कहीं ना कहीं धर्मग्रंथों को समझना पड़ता है पर भागवत का प्रचार प्रसार करने के लिए भागवत भी पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे भागवत सीखनी है पंद्रह दिन ज्ञानपीठ में आए और समय लगाए तो हम उसको भागवत का अच्छा वक्ता अच्छा कथाकार बना सकते हैं का क्या करना है उसमें मैंने देखा अभी समाज में जो सबसे बड़े भागवतकार माने जाते हैं मैं नाम नहीं लूँगा जो अपने आप को बड़ा मानता है वो समझ जाएगा मुझे दो बार उनकी भागवत में जाने का अवसर प्राप्त हुआ किन्हीं कारणों से मुझे जाना पड़ा एक घंटे का कार्यक्रम था एक घंटे के प्रवचन में प्रवचन क्या कहूँ कथा में उन्होंने नौ कहानियाँ सुनाई है मैं गिन रहा था एक कहानी सुनाई उसके बाद में लोगों ने जो भजन इत्यादि गाने वाले होते हैं भजन गाना और झांकी वगैरह निकालना शुरू किया वो कहानी खत्म हो गई फिर दूसरी कहानी सुनाई चलो कहानियाँ सुनाते हैं तो प्रसंग कहानी सुनाने वाले लोग बहुत सारे हैं पर कम से कम ऐसा तो कि पहली कहानी के साथ में दूसरे का कोई प्रसंग जुड़ रहा हो नहीं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा और ऐसा कुनबा जोड़ देते हैं कि रेती का घर है कभी भी ढह सकता है नौ कहानियां सुनाई नौ कहानियों में किसी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं को, कोई कोई तालमेल नहीं और उससे क्या शिक्षा मिलती है वह भी नहीं बता रहे चलो हर कहानी से कोई ना कोई शिक्षा तो मिलती है पर उनको तो शिक्षा नहीं चाहिए शिक्षा के जगह पर भागवत के नाम पर भिक्षा चाहिए तो व्यापार के लिए केवल भागवत का प्रचार हो रहा है क्योंकि एक बार अब भागवत का करने के लिए नाम के आगे स्वयं भू विद्वान शास्त्री लगा देते हैं भागवतकार लगा देते हैं साहित्य आचार्य लगा देते हैं भले ही पढ़ाई की हो या न हो और उसके बाद दस पंद्रह दिन दो चार कहानियां पढ़ ली आज सोचो आठ आठ साल के दस दस साल के बच्चे बाल व्यास बन रहे हैं व्यास का अर्थ क्या होता है पता भी है किसी को मैथमेटिक्स थोड़ी भी पढ़ी होगी उसको भी व्यास का अर्थ पता होगा ज्योमेट्री में जो सर्कल होता है सर्कल में एक पॉइंट से जो सीधी रेखा खींची जाती है तो दूसरी तरफ जो पहुंचता है उस पूरी रेखा को व्यास कहा जाता है पूरी दूरी को इसका मतलब क्या है अध्यात्म के क्षेत्र में इस छोर से लेकर के उस छोर तक का जिसको सब कुछ पता हो उसको व्यास कहा जाता है जिसको धर्म के दस लक्षण के विषय में पता नहीं व्यास बनते हैं भागवत की कथा इत्यादि करते हैं और केवल अभी हमने भजन वाणी गायन सुना एक चौपाई सुनी उसमें गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान धिक धिक पड़ोते मानवी जो बेचत है भगवान इसलिए हमारे समाज में वाणी का प्रचार नहीं हो पा रहा है यदि यही विद्वान थोड़ी सी मेहनत और करते यही कथाकार थोड़ी मेहनत और करते वाणी का अर्थ सीखते कला तो इनके पास है ही भागवत की कथा को सुंदर रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं साधनों की संसाधनों की कोई कमी नहीं है इसी वाणी को जिस तरह से भागवत संगीतमय प्रस्तुत करते हैं वाणी की संगीतमयी चर्चा करते रुचिकर होती और जिस तेजी से वाणी का प्रचार होना चाहिए था उसी तेजी से वाणी का प्रचार होता पर कहीं ना कहीं माया को भी तो हावी होना है किसी न किसी के रूप में बैठकर हो सकता है ऐसा नहीं कि माया केवल गृहस्थी के रूप में माया केवल धन संपत्ति के रूप में वो किसी के रूप में भी हो सकती है कभी वो ज्ञानी के रूप में भी हो सकती है अज्ञानता ही माया नहीं है कभी कभी ज्ञान भी माया का रूप बन जाती है तो ये कारण है हमारे समाज में वाणी का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं सभी भागवतकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके पास भी तारतम ज्ञान है जिनके पास तारतम ज्ञान नहीं है और कथा कर रहे हैं वो तो ठीक है पर तारतम ज्ञान पाने के बाद भी वाणी के बराबर किसी और को समझना और वाणी को उनसे भी छोटा समझना अथवा उन वाणी का तिरस्कार करना यह बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है यदि आप स्वयं को ब्रह्म सृष्टि का दावा करते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो आपका भी ये परम कर्तव्य है कि जितना जोर आप भागवत इत्यादि करने में लगाते हैं उतना ही परिश्रम वाणी के प्रचार में भी लगाएं। अब आगे देवचंद्र जी अपने घर में आए दर्शन के पश्चात का प्रसंग है उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम ए बात में किनको कहूँ कौन माने इस ठाम देवचंद्र जी को तो लगन है क्योंकि राज्य ने कहा ब्रह्म सृष्टियों को बुला करके तुम्हें लेके आना है पहुंचाने का काम मेरा है तुम तक पहुंचाने का पर देवचंद्र जी का जो जीव है ना एक वह भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी जागनी हो राज्य का हुक्म एक तरफ है पर उनकी अंतरात्मा भी चाहती है श्यामा जी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जागनी हो इसलिए वो राज्य के हुक्म की प्रतीक्षा नहीं कर रही है कि राज्य किसी को ले आए वो अपने तरफ से उनके मन में हो रहा है कि ये बात मैं किसको कहूँ और ये भी है कि ये इच्छा पैदा करने वाले भी कही न कहीं ना कहीं मूल रूप में तो राज्य ही तो उनके मन में है कि मैं किसको कहूँ मेरी बात कौन मानेगा यहाँ पर क्योंकि किसी को कहा जाए नए व्यक्ति को कि आप परमधाम से आए हो आपको परमधाम जाना है ये माया का खेल है ब्रह्म सृष्टि है ईश्वरी सृष्टि है जीव सृष्टि है उसमें से आप ब्रह्म सृष्टि हो यह संसार में तो जीव की लीला चलती रहती इस तरह से कहेंगे तो, तो से ये क्या कहना क्या चाहते हो तो देवचंद्र जी सोच रहे हैं कि कौन मानेगा मेरी बात इस तरह से सोचते सोचते उनके मन में ख्याल आया गांगजी भाई के विषय में कि वो भी कथा सुनते हैं और ईमानदारी के साथ में सुनते हैं वो ख्याल लाने वाले भी राज्य हैं क्योंकि सैकड़ों लोग होंगे सुनने वाले उन्होंने गांगजी भाई को ही क्यों पकड़ा क्योंकि राजी ने कहा है कहा मैं भेजो तमाम तो अब उन्होंने जब कथा से लौट रहे थे गांगजी भाई उन्होंने पकड़ लिया रास्ते में रोक लिया और अब बातें होने लगी अब जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो एक पनिहारन थी पनिहारिन मतलब पानी भरने वाली स्त्री तो पानी भर के घर की तरफ गई और उसने रास्ते में जाते हुए देख लिया कि ये दो लोग खड़े होकर के कि किसी विषय में बात कर रहे हैं पर मग्न है उनका ध्यान नहीं है मेरी तरफ वहां से गए और घर पहुंच के वो पानी दूसरे पात्र में डाला होगा वापस गई पानी भरने के लिए दोबारा गई तब भी देखा कि ये दोनों यहीं पर खड़े होकर बात कर रहे हैं शरीर की शुद्ध भी नहीं है तो तीसरी बार जब वो गई तीसरी बार में जब उसने देखा तो कहा कि आप बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते जब उसने टोका तब जाकर के शरीर की सुध आई अब उस बातचीत में क्या बात हुई कि श्री देवचंद्र जी ने भागवत के कुछ प्रश्न पूछे कि ब्रज की बात करते हैं अखंड ब्रज की तो वो कहां पर है यदि संसार में है तो ये संसार अखंड ही नहीं है तो इस संसार की ब्रजलीला को अखंड कैसे कहा जा सकता है रास कहाँ पर है जिसको भागवत के दशम स्कंद में विक्षरंतु मनह चक्र योग माया उपाश्रित का वह योग माया कहाँ है जो कि जिसको अखंड मंडलम रमान नाभम कहा है क्योंकि इस ब्रह्मांड का तो लय होना है इस तरह के जब प्रश्न पूछे तो गांगजी भाई ने कहा तब गांगजी भाई ने पूछिया, हम तुम भागवत सुनते दोए ये प्रश्न तुम कहाँ से लियावत तुम मोहे बताओ सोए कहते हैं कि मैं भी वही भागवत सुनता हूँ उन्हीं गुरु से आप भी उन्हीं गुरु से भागवत सुनते हो मेरे अंदर तो कभी ऐसे प्रश्न नहीं आए पर आपके पास प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं आप मुझे बताइए तो गांगजी भाई जी को जब देखिया वस्त का पूरा पात्र तब कछु चले बताओते सत बोए रज मात्र गांगजी भाई जी को जब उन्होंने देखा कि ये वस्तु के पूरे पात्र हैं मतलब इनको ज्ञान दिया जा सकता है इनके सामने रहस्य खोला जा सकता है क्योंकि दूसरे बीतकों में एक वर्णन आता है कि देवचंद्र जी के मन में इच्छा हुई कि ये ज्ञान मैं किसी को सुनाऊं अब कोई मिल नहीं रहा था सुनने वाला उन्होंने एक नाई को पकड़ लिया नाई को पूछा कि तू दिन भर में कितना कमाता है नाई ने बता लिया कि मैं दिन भर में इतने रुपये कमाता हूँ देवचंद्र जी ने कहा अच्छा ठीक है तू बैठ मेरी बात सुन और मैं तुम्हें तुम जितना दिन भर में कमाते उतना मैं दे दूंगा और उस व्यक्ति ने सुना थोड़ी देर सुना ऊपर से निकल गया किसी भी व्यक्ति को अचानक से कोई ऐसी बात कह दिया जाए तो क्या लगेगा सामान्य व्यक्ति तो सोचेगा कि या तो मेरा स्क्रू थोड़ा ढीला है या फिर ये थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक है तो नाई ने बात नहीं सुनी उससे हजम ही नहीं हुई इस तरह का प्रसंग दूसरे बीतकों तो में आता है अब यह गांगजी भाई जी को उन्होंने पात्र देखा कि इनके मन में जिज्ञासा है तो उन्होंने बताना शुरू किया शुरुआत से लेकर के फिर जन्म से ले के आए नए नगर तहा लो सारी बीतक कह चले ऊपर अब जन्म से लेकर के किस तरह से ग्यारह वर्ष की उम्र में जब भया बरस अग्यारहवा तब मन विचार में कौन कहाँ थे या कहां मेरो भरतार फिर किस तरह से रास्ते में चले हैं तो सोलह वर्ष की अवस्था में किस तरह से उनको दर्शन हुआ उसके बाद कच्छ पहुँच करके कैसे विभिन्न मत मतांतरों संप्रदायों में जा के खोज की कैसे हरिदास जी के पास पहुँचे हरिदास जी से कैसे दीक्षा ली किस तरह से उन्होंने परिक्रमा की कैसे उनको चितवनी में ध्यान में दर्शन हुआ और किस तरह से यहाँ आकर के भागवत की कथा श्रवण की और किस तरह से परब्रह्म ने राज जी ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके ये सारी बात बताई ये पूरा जन्म से लेकर के चालीस वर्ष की अवस्था तक की सारी बीतक उन्होंने गांगजी भाई को सुनाई अब गांगजी भाई चूंकि उनके अंदर भी परमधाम की आत्मा है तो इसको सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवचंद्र जी से आग्रह किया कि आप मेरे घर पर आइए आप मेरे घर आकर के मेरे जैसे और भी गांगजी भाई हैं अर्थात मेरे जैसे और भी लोग हैं जो माया में फंसे हुए हैं जो अज्ञानता में हैं उन्हें आप जगाइए मैं आपकी भी सेवा करूँगा और जो आने सुनने के लिए आने वाले हैं साथ मैं उनकी भी सेवा करूँगा इस तरह से गांगजी भाई ने देवचंद्र जी को अपने घर में बुलाया देवचंद्र जी जाते हैं और वहाँ रह करके चर्चा करने लगते हैं अब एक ने चर्चा सुनी दूसरे तक पहुंची, दूसरे ने फिर तीसरे को बताया कि गांगजी बाई के घर में तो ऐसे लीला होती है क्योंकि केवल चर्चा नहीं होती थी बहुत सारी आड़ी का लीलाएं, चमत्कारी लीलाएं होती थी जब श्री देवचंद्र जी ब्रज की लीला का वर्णन करते थे तो वहाँ पर ब्रज स्वरूप श्री कृष्ण जी की चलती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती थी कभी बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी कभी वो रास के स्वरूप का वर्णन करते थे तो बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी रास में जो रामतों की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी परम धाम के यमुना जी का वर्णन करते थे तो सुंदर सुंदरसाद जी को यमुना जी के कलकलाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती थी इस तरह से बहुत सारी आड़ी का कहिलाए होती गई एक लंबे समय के अंतराल में लोगों तक एक से लेकर के दूसरी दूसरे से तीसरी इस तरह से लोग आने लगे संख्या काफी बढ़ने लगी कहते हैं एक से सुनी दूसरे कहां से मिला साथ सोई आवे दीदार को जाके धनीय पकड़े हाथ सुनते तो बहुत सारे हैं पर दर्शन के लिए कौन आता है मिलने के लिए कौन आता है जिसका हाथ धाम धनी पकड़े होते हैं इसका मतलब क्या राज्य किसी का हाथ पकड़ते हैं किसी को छोड़ देते ऐसा तो नहीं है पक्षपात करते हैं नहीं जी का हाथ हमारे तरफ हमेशा ही है पर में से कितना हाथ बढ़ाया हुआ है उस पर निर्भर करता है यहां जाके धनिये पकड़े हाथ का तात्पर्य ये है कि जैसे देवचंद्र जी ने हाथ बढ़ाया जी की तरफ तो जी ने निकाला गांगजी भाई जी ने भी हाथ बढ़ाया इस तरह से और भी बहुत सारे गांगजी भाई जैसे सुंदर साथ होंगे जो कहीं ना कहीं जी को पाने के लिए परमात्मा को पाने के लिए अपने अपने तरफ से हाथ बढ़ा रहे होंगे पहचान नहीं होगी पर हाथ बढ़ा रहे होंगे तो उन सबका हाथ राजी ने पकड़ा है अब यहां जिस तरह से गांगजी भाई जी एक की अभी पूर्ण जागृति भी नहीं हुई है एकाध बार ही देवचंद्र जी से सुनी फिर भी उनके मन में इच्छा है कि और सुंदर साथ की जागनी हो मेरे जैसे और गांगजी भाई जगें अब हम सब सुंदर साथ को भी सोचना चाहिए कि हमने तो एक बार नहीं दर्जनों बार बीतक सुनी है सैकड़ों बार वाणी की चर्चा सुनी है तो हमारे मन में भी इस तरह की इच्छा होनी चाहिए कि हम जैसे और भी लोगों की जागनी हो और भी सुंदर साथ तक यह वाणी पहुंचे, बीतक पहुंचे, जिस तरह से आगे प्रसंग आएगा कि गांगजी भाई जी ने किस तरह से तन मन धन से सेवा की थी सुंदर साथ की और तन मन धन से सेवा किसी को भंडारा कराने के लिए केवल भोजन कराने के लिए नहीं की थी उनके मन में जागनी के प्रति सच्ची इच्छा थी कि जागनी हो किसी भी तरह से अब ये जरूरी नहीं है कि किसी को भूखा रखकर ही जागृत किया जाए परंतु केवल भोजन खिलाकर भी जागनी नहीं हो सकती है हमें बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता पड़ती है हमारे पास विवेक है राज्य ने दिया है तो अब हमें इतना पता है कि कहाँ पर धन से सेवा करनी है कहाँ पर तन की सेवा करनी है कहाँ पर ज्ञान की बौद्धिक सेवा करनी है हम सब सुंदर साथ अपने अपने तरफ से गांगजी भाई जी की तरह कर्तव्य परायण बनकर अपने अपने कर्तव्य की पूर्ति करें अपने अपने कर्तव्य को पूरा करें तो जागनी कुछ तेजी से होगी अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि किस तरह से गांगजी भाई जी का पूरा परिवार देवचंद्र जी के चरणों में आता है तारतम ज्ञान ग्रहण करता है और साथ में शहर के और लोगों तक भी बात पहुंचते-पहुंचते जिस तन से अगली लीला होनी है पाँचवें दिन की लीला होनी है श्री राज जी उन तक यह बात कैसे पहुंचती है वह देवचंद्र जी तक किस तरह से पहुंचते हैं ऐसा कौन सा साधन ऐसा कौन सा बहाना बनता है क्योंकि कोई लौकिक संबंध तो नहीं है पर कारण क्या बनता है ऐसी कौन सी भूमिका बनती है कि मिहिर राज जी के मन में देवचंद्र जी के दर्शन की इच्छा होती है ये सारी भी तक सुनेंगे हम कल अब समय पूरा होता है चौपाई दो रहिए श्री महामती कहे ए साथ जी ए अपनी बुनियाद अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करो याद ताको करो याद बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु